नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे संत रविदास जी के बारे में। संत रविदास जी ने जानकारी दिया था, कल्कि अवतार के हिसाब से इसको माना जा सकता है, क्योंकि इन्होंने कहा था भारत में अवतारी होगा जो अति विश्व जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मारेगा, छंदम वेश में जो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला। मतलब जो अभी हमला हो रहा है, ये सब भी देख सकते हैं, जैसे चीन है, पाकिस्तान है, भारत पे जो करते हैं और भी है, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा, नेता मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी, सब छोड़ मैदान भागेंगे, सब अपने घर डुबकेंगे, जिन जिन भारत मात सताई सबको मिलेगा सजा, चीन अरब की धुरी बनेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई, इटली में कोहराम मचेगा, युद्ध तीसरा प्रलयकारी, भारत होगा विश्व विजेता, दुनिया में बनेगा भारत विश्व गुरु, तब सतयुग दर्शन आएगा, सहस्त्र वर्ष तक सतयुग आएगा, जिसने इनकी करी लुटाई सब हिसाब चुकता कर देगा, विध्वंसक ताकत उभरेगा, घाटे में होंगे ईसाई, लंदन सागर में डूबेगा, जो होगा भारी सहारी, भारत होगा विश्व का नेता, भारत में न्यायालय होगा, संत राज सुख बरसाएगा, विश्व गुरु बन भारत जागेगा। तो ये था भविष्यवाणी संत रविदास की। और धीरे धीरे युग परिवर्तन का युग चल रहा है, परिवर्तन आ रहा है। जय श्री राम।